तो डालिएगा हेडिंग आप लोग अयादि संधि। देखिए अयादि संधि में क्या होता है, मैं सीधे ही आ रहा हूँ, यण संधि पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, तो बताया था कि यण संधि में ई के साथ कोई भी स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर, ई नहीं होना चाहिए बस, ऊ के साथ कोई भी स्वर आता है तो ये ई बन जाता है यौ, और ऊ बन जाता है वो आपका, और जो स्वर आया है उसकी मात्रा लग जाती है, ऐसा कुछ है, पढ़ा चुका हूं आप लोग उसको देख सकते हैं। अब देखो याद रखना है कि पहला स्वर अगर ओ अथवा आ आएगा तो आप जानते हैं कि कौन संधि बनेंगी, दीर्घ गुण और वृद्धि। पहला स्वर यदि ई ऊ अथवा रि आएगा, ठीक है, तो बनेगी आपकी यण संधि, है ना। इसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो दो ऑप्शन रहेंगे इसमें, दीर्घ बन सकती है पहला स्वर ई ऊ और रि आने पर, और अगर दीर्घ नहीं बनती तो यण बन जाएगी, आप लोगों को बताया है मैंने अच्छे से। तो बच्चे कौन से स्वर देखो, ओ आ ई ऊ और रि, इसके बाद बचता आपका ए और ओ। तो अब जो बचे हुए स्वर हैं वही आएंगे ए अथवा आए के साथ कोई अन्य स्वर आए, और ओ अथवा औ के साथ कोई अन्य स्वर आए, तो क्या बनेगी आपकी अयादि संधि बन जाएगी। बहुत ही आसान है समझना, टफ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सीक्वेंस में पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आप लोगों को याद रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा कि पहला स्वर जब ई आया था या ऊ आया था तो यण संधि बन रही थी। तो अगर कभी भी संधि विच्छेद करते हो और पहला स्वर आपको दिखता है ए आए ओ अथवा आओ, तो आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली कि ये तो अयादि संधि ही है। अब होता क्या है फिर, अगर ए ओ आ रहा है तो याद रखे आप लोग सूत्र को, यहां से मैं सूत्र बताने जा रहा हूं आप लोगों को अयादि संधि का। ए के साथ कोई भी स्वर आ जाए, जैसे माना कि ओ आ गया आपका, तो बन जाएगा आपका आए, समझना है इस बात को। यहीं पर अगर ए के साथ ई आ जाए, आपका छोटा ई है ना, तो बन जाएगा आपका आई। लेकिन अगर ए की जगह पर आ आता है, आए के साथ अगर आ आया आपका, तो क्या आ जाएगा आपका आए हो जाएगा। याद रखना है ये ए था तो आए हो रहा था, अब आए है तो आए हो गया, क्योंकि आए में एक मात्रा अतिरिक्त है तो उस मात्रा को हम बैलेंस करेंगे आ लिख करके। तो याद रखें इसको, ऐसे भी याद रख कर सकते हैं आप लोग कि ए कन्वर्ट होता है आए में, और आए कन्वर्ट होता है आपका आए में, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और बाद में आने वाला जो स्वर है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, यो में सिर्फ इस मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ए आया तो ये तो लिखना ही हमने, है ना, आ ये तो लिखना ही है, यो में लग जाएगी मात्रा छोटी ही, तो आई हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, बताइएगा प्लीज। हेलो, यस, क्योंकि इस तरीके से जैसे ए के साथ ओ आ रहा है, ई आ रहा है, ऐसे ही ऊ ए बहुत कुछ आएगा, तो वो सब कुछ लिखना तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब खुद बताएंगे आप लोग, बताइए कि अगर यहाँ पर ए के साथ ऊ आ जाएगा तो क्या बनेगा, बताओ, आयु बन जाएगा, नहीं, आए के साथ ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा आपको बताओ, आयु बन जाएगा, ये सुन लो, बोलिए। ये सर, एक कंसेप्ट याद रखा आपने कि ए अगर होता है तो आए बनेगा, ठीक है, और आए होता है तो आपका आए बन जाएगा, बस। बाकी यौ में जो मात्रा है वो निर्भर करेगी कि बाद वाला स्वर कौन सा आ रहा है। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं कुछ शब्द देना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है, और उसका विच्छेद करेंगे हम। जैसे आप ही लोग बताएंगे, गए धन अन,
की संधि क्या होगी, ठीक है, और साथ में ने धन अन की संधि क्या होगी। राइट इसे करने के बाद आप ही लोग बताएंगे कि सर हाँ दूसरी वाली तो नयन होगी। वेरी गुड, नौ यो नौ, वेरी गुड, क्योंकि ने मैं क्या है आपका नौ धन ए है ना। अब ये ए जो है बन जाएगा कि आपका अ, तो नौ मैं औ की मात्रा लगी तो नौ बन गया आपका, यो था ही आपका, यो में औ की मात्रा लगी यो रहा और ये आपका नौ रहा। हाँ बताओ, और पहले वाला क्या होगा बताओ, आय की मात्रा है ना, तो आय क्या चेंज हो रहा है बताओ, गौ धन आय, ठीक है, धन अन। अब देखो जो आय है ये आय चेंज हो रहा है किसमें, आय में सर, है ना, गाय, वेरी गुड, गौ में आ की मात्रा होगी आपको क्या, गा, राइट, यो के साथ ओ की मात्रा और रहेगा आपका, यानी कि यो हो गया नौ है ये आपका, तो गायन हो जाता है। समझ में आया? यस सर, सभी पायल समझ में आया आपको? सर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये तो बताइए आप लोगों को ना, लेकिन कोशिश ऐसी करो कि जीत ही मिले हमेशा। चलो मैं आपको दो दे रहा हूं खुद से बनाने के लिए, विच्छेद करेंगे आप लोग। अब एक्चुअल में ज्यादा ऑप्शन इसमें होते नहीं है ना, तो ज्यादा विच्छेद मिलेंगे नहीं इसको, चलो फिर भी देख लेते हैं। पहला है आपका गाय का, ठीक है, इसका विच्छेद करो, और दूसरा विच्छेद करो आप किसका, शयन का। तो देखिए सर गायिका का है गे धन आई का और शयन का से धन अन, ठीक है, गायिका का है आपका गय धन इका, ये बोला आपने, ये बोला था, कुछ और बोला था ना, मैंने ये नहीं बोला था, आपने बोला था क्या गय धन आई का है ना। हाँ अब इसको समझे आप, होगा सर ई का। हाँ अब समझो, देखो गौ है, इससे आय को अलग कर लो आप, प्लस आ कर लिया, ठीक है। अब जो ये अ है तो बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि ये बन जाता है कि आपका आय है ना, आय तो आय बन जाता है, ठीक है। अब इस यो में मात्रा लगा रहे हैं आप आ की, समझ रहे इसको, हाँ तो ये आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ये बोलो, गौ में आ की मात्रा गा या ई का, ये गाया ई का हो जाएगा, ठीक है पायल। तनुजा है, तनुजा, हाँ मैंने बोला था, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा गा या ई का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को, क्यों यहां पर आई का नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो मैं दोबारा कर दे रहा हूं साफ साफ, गए धन आ ई का, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका विच्छेद हो जाएगा कि आपको बताओ, गौ धन आय की मात्रा लगाओ उसमें है ना, धन आ ई का तो अलग कर दो आप, इसको हम बाद में जोड़ेंगे, एक स्वर ये है एक स्वर ये है, तो आय जो स्वर है उसका बनता है कि आपका आय, गौ में आ की मात्रा लगाई आपने क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, क्लियर है। देखो गौ में आ की मात्रा क्या हो गया, गा हो गया, समझ में आ रहा है। फिर यो में किसकी मात्रा लगेगी बताओ, यो में आ की मात्रा लगेगी ना, यो के बाद क्या आ रहा है आपका, आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो, हाँ है ना,
तो गा या और इका तो अलग से है आपका इका, तो ये बन जाएगा इसका, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो है क्या इसका गाय धन इका है। अब क्यों है गाय धन इका, इसको देखो आप, गाय धन इका, गौ तो ऐसी रहेगा आपका आए धन ई धन का कर दो आप, तो मैंने बोला है आपको जो दो स्वरों का मेल होता है तो आए की जगह पर आपका आएगा क्या आय, ठीक है। गौ में आ की मात्रा लगाई आपने क्या हो जाएगा गा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यौ में ई की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा आपका यी का, तो गाय का बन गया, ठीक है ना। कोई डाउट है यहां पर पूछो किसी को भी, सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो सर, ये गाय का को एक बार ना गो प्लस आ प्लस यो प्लस ई प्लस को प्लस आ करके तोड़ के बता दीजिए। गाय का को ना गो प्लस आ, ठीक है, प्लस यो प्लस ई प्लस को व्यंजन के नीचे हलंत लगाना जरूरी है, वर्ण विच्छेद में याद रखें इसको आपका, ये हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या बन रहा है, जब आप गाय का शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप साफ साफ देखेंगे कि ये क्या बन रहा है आपका आय बन रहा है, आय दिख रहा ना हमको यहाँ पर, क्यों अब यौ के बाद तो ई आ गया सीधा, यौ के बाद तो ओ आ ही नहीं रहा कहीं पर, समझ में आ रहा है। ये आपको यौ के नीचे हलंत लगाना जरूरी है, यौ मतलब कोई भी व्यंजन, जैसे गौ में आ की मात्रा थी गा था तो मैंने आ की मात्रा अलग कर दी तो गौ में नीचे हलंत लग जाएगा, हलंत का मतलब होता है कि अब इसके साथ कोई व्यंजन नहीं है। कितना अंतर होता है देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इट मीन्स कि यही है फिर, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया गलती से हलंत लगाना भूल गया तो पढ़ने वाला समझेगा कि ये गौ धन औ है, बहुत अंतर आ जाता है। स्पष्ट हुआ? हेलो। यस सर। अब यहां पर कैसे विच्छेद करेंगे इसका, देखो इका तो हो गया अपने आप में एक शब्द इका, अभी जो आय है आय किससे बनता है बताओ जरा, आय बनता है कब, जब ए की मात्रा हो, तो इस आय को क्या लिख देंगे हम ए लिख देंगे, समझ में आ रहा है। यस सर। तो गौ में आय की मात्रा लगाओ तो क्या हो जाएगा आपका गए हो जाएगा, है ना, इस तरीके से इसका हम विच्छेद कर लेंगे। गॉट इट। समझ में आया? यस सर। देखो इतनी बात मेरी याद रखना कि एक दिन में या पहली बार में हम विच्छेद नहीं सीख सकते, हमें कैसे सीखना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया तो आपको एक अंदाजा आया, आप छोटे छोटे जो शब्द है जो आसान शब्द है उनका विच्छेद करने लग गए, लेकिन कुछ कठिन शब्द आएंगे जिनका विच्छेद आपसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा ऐसा, कितने ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो पहली बार में सब कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या करना है आपने उसका अभ्यास करना है। अभ्यास के दौरान कुछ गलतियां होंगी तो ये नहीं सोचना है कि मेरे को आ नहीं रहा है, गलतियां तो होंगी ही अभ्यास में, उसके बाद फिर वो पूछना है आपने, और जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी कमांड जो है इसमें बनती रहेगी। बोलो हाँ या ना। यस सर। है ना, तो निराश नहीं होना है। कई बार बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हमें तो आ नहीं रहा, तो भाई पहली बार में तो मुझे भी नहीं आएगा ना वो, अब मेरे को पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गए तब ये चीजें आ रही हैं, और फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा मैंने तो मुझे लगता है आपको कि मेरे को आ गया होगा, कोई भी बच्चा होता है छोटा बच्चा आपको क्या लगता है औ आ ई लिखना कितना आसान होता है, लगता नहीं लगता है? अगर आपसे कोई कहे कि बेटा औ आ लिखो करके तो आप आराम से लिख दोगे, या कोई भी बच्चा जो क्लास 6th में 7th में पढ़ रहा है फेल हो गया है बहुत गंदे मार्क्स लाया है उससे भी कहोगे आप 12 खड़ी लिखने के लिए लिख लेगा आसानी से, लिखेगा नहीं लिखेगा बताओ। यस सर। लेकिन वही बच्चा जब क्लास 1 में रहा होगा चाहे वो टॉपर क्यों रहा स्कूल का तो वो क्या उस समय लिख पाता होगा उसको, नहीं ना, उस समय तो कठिन रहा होगा ना उसके लिए वो, जैसे जैसे उसने क्लास में अभ्यास किया वैसे वैसे वो सीख गया,
तो वही स्टेज आपकी भी है। आप ये समझिए कि विच्छेद संधि करना आसान होता है, विच्छेद करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास करोगे सीख जाओगे। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि पहला बैच है हमारा सीटेट का, और बहुत अच्छा निर्णय है आप लोगों का कि स्टार्टिंग से ही आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। आपके पास पूरे 4 महीने हैं सीखने के लिए, 4 या 5 महीने, जून में एग्जाम होता है अभी, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या है कि कंटिन्यूअसली अपना अभ्यास करते रहना है और कोरोना से बचना है आपने, यू नो व्हाट आई मीन बाय कोरोना, ठीक है। तो कोरोना से बचे रहोगे तो जरूर सफलता मिलेगी, वरना आपको बताइए कि कोविड के टाइम पे क्या होता है, जिसको कोरोना हो रहा है वो बेचारा कई सारे तो शरीर के अंग उसके खराब हो जा रहे हैं, तो आप लोग बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था ए का और ए का, अब पढ़ेंगे हम ओ और औ का। ध्यान रहे जो ओ होता है वो चेंज होता है औ में, कोई अंतर नहीं है। वहां पर ए था यो था, यहां पर वो हो गया, बस इतना ही तो करना है, कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी जो याद नहीं होगा मुझे ना। और औ होता है आव। देखिए जैसे ओ प्लस ई क्या बन जाएगा, अवी, आओ धन ई क्या बनेगा, आवी, राइट। ऐसे ही ओ धन ओ बन जाएगा आपका औ, और औ धन ओ ये बन जाएगा आपका आव। बहुत ही आसान है। अभी अगर आपने जो आए वाले प्रैक्टिस कर लिए तो अब इसको आराम से आप कर लोगे। लिख लो पहले तो इसको, जो सूत्र है लिख लो, लिख लीजिएगा आप। देखिए पहला है आपका ओ धन अन, इसका संधि करना है आपने। दूसरा भाव धन उक, इसका संधि करना है। 1 मिनट का समय लीजिए और दोनों की संधि करिए बढ़िया तरीके से। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, तो बताइए फिर। सर पवन और भावुक। वेरी गुड, पवन और भावुक। आप में से कोई भी एक ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है कि पवन कैसे बना और भावुक कैसे बना, तो प्लीज आप पूछिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर समझ में आ गया है तो फिर मैं चाहूंगा कि आपको 2 शब्द दूं, उनका विच्छेद करें, क्योंकि विच्छेद में आपको समस्या हो रही है, संधि में नहीं हो रही थी। कोई भी एक जिसको समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर आ गया है तो फिर मैं आपको 2 शब्द दे रहा हूं विच्छेद करने के लिए, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। तो लिखिएगा पहला विच्छेद करना है आपने, हाँ, भवन। दूसरा है आपके पास पावक, भवन और पावक करो। ये अयादी संधि का हमारा क्लोज हो जाएगा क्लास अभी, फिर दूसरी मीटिंग नहीं होगी आज, ठीक है। आप इसी पर काम करिए, आज संधि के स्वर संधि वाले सारे हो गए हैं, आप इसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। और कल संडे है, कोई भी एक समय मुझे आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, तो मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं उसी टाइम क्लास करूँगा। कल हम क्लास करेंगे दिन के टाइम पे, कोई भी एक टाइम जो आपको लगे सुटेबल है आपके लिए, सभी के लिए मुझे बता दीजिएगा, कल हम दिन में क्लास करेंगे। सर कल दिन में निकल, शाम के टाइम पे ही क्लास, ठीक है बेटा, ठीक है, वो कोई बात नहीं। मैं इसीलिए कहा ना, मैंने आपको कंपल्शन थोड़ी किया, मैंने तो एक सुझाव दिया कि अगर दिन में समय है तो दिन में कर लेंगे क्लास, ठीक है। बाकी अगर आप बिजी हैं तो कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, ठीक। कौन सा लोग कल हमारा एग्जाम होना है ना, तो आप टेंशन ना लें। तो मेरे प्रस्ताव था एक तो देखिए भवन का हो जाता है भोधन अन, वेरी गुड, और पावक का पौधन
वेरी, तो ये इसके विच्छेद हो गए। आई होप आप लोगों को ये आइडिया होगा। सेकंड मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग यही क्लोज हो रही है। वीडियो जो है मैं रिकॉर्डेड आपको भेज दूंगा, ठीक है।